हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के समक्ष तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का महासंग्राम क्लास सॉल्व मॉडल पेपर 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ गई हूँ, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे 2024-25 में। तो देखिए, जिसका टाइटल है समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया मैंने और आप लोगों की पूरी क्लास कंप्लीट करवा दी है। तो अभी तक आप लोगों ने पूरी क्लास नहीं की है तो मैं लिंक आपको सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस महासंग्राम क्लास को शुरू करते हैं और आपके इस मॉडल पेपर को देखते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे प्रश्न आपके अति लघु में आएंगे, कैसे लघु में आएंगे और कैसे दीर्घ में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पेपर होता है वो तीन खंडों में विभाजित होता है, खंड क, ख और ग। देखिए, खंड पेपर में खंड अ ब स होता है। यहाँ पे मैंने क ख डाल दिया है तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा, पेपर में खंड अ ब और स होगा। देखिए, तो खंड अ जो आपका होगा उसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 10 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो आप देखिए, 10 ऐसे प्रश्न बताऊंगी मैं आपको जो आपके अति लघु में पूछे जाएंगे। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में, और ये आपके पेपर का पहला क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, तो आपका प्रश्न पूछेगा कि समाज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समाज क्या है, समाज को परिभाषित कीजिए या समाज से आप क्या समझते हैं। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है मगर उत्तर जो है आपका वही होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए हम उत्तर को भी देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। देखिए, समाज जो है स्वयं एक संघ होता है, एक संगठन होता है और औपचारिक संबंधों का योग होता है। और समाज शास्त्र में समाज शब्द का जो प्रयोग है एक विशेष अर्थों में किया गया है और यहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। यहाँ पे समाज में लोग मिलकर रहते हैं, ये एक लोगों का संगठन है और यहाँ पे हर समय एक दूसरे का सहयोग करने की भावना पाई जाती है। तो इस ये होता है समाज। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप डिटेल में समाज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरी यूनिट्स पढ़नी होगी और सभी पर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, समाज शास्त्र को परिभाषित करना है आपको। तो समाज शास्त्र क्या है, जब मैं क्लास करा रही थी तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए अपने पेपर में प्रश्नों को देखकर, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए, समाज शास्त्र जो है समाज का अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। और समाज शास्त्र का अंग्रेजी जो रूप है वो सोशियोलॉजी है। अब देखिए, जो सोशियोलॉजी है जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिए, जो मैं कह रही हूँ उसको समझिए। आप सुनकर समझे रहेंगे तो एग्जाम में आपके लिए ही आसानी होगी, ये लेक्चर आपका काफी काम आएगा। देखिए, सोशियोलॉजी जो है इंग्लिश में कहा जाता है समाज शास्त्र को, तो हम सोशियोलॉजी को दो भागों में बांट देते हैं, सोशियो प्लस लोगोस। और देखिए, जहां पर सोशियो है लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से बना हुआ है और जो लॉजी है वो ग्रीक भाषा के शब्द लोगोस से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है समाज तथा विज्ञान, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो आपको ये याद रखना है और याद रखिएगा कि सोशियो लैटिन भाषा से बना हुआ है और लोगोस जो है लोगी जो है ग्रीक भाषा के लोगोस से बना हुआ है। अच्छा, देखिए, समाज शास्त्र का हम शाब्दिक अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है, समाज शास्त्र है, जिसके अंतर्गत हम समाज का पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, लोगों के संबंध को, लोगों के व्यवहार को, मतलब सारी चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं वो समाज शास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। और समाज शास्त्र को
समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इस प्रश्न के उत्तर में ये भी लिख दीजिएगा कि समाजशास्त्र को सबसे पहले एक ऐसा सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 ईस्वी में। तो समाजशास्त्र के पिता के नाम से ऑगस्ट कॉम्टे को जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघर्ष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए संघर्ष क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है पूरा अपने यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत। मैं पूरी क्लास डिटेल में करा चुकी हूँ, एक एक चीज जो होती है, यानी जैसे जितने भी आपके टॉपिक है ना आपके यूनिट्स के, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसका सारी कुछ, जिस तरह से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है उस तरह से पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पूरी क्लास भी कर लीजिएगा, और जो महासंग्राम क्लास आती रहेंगी, जिस तरह के मॉडल पेपर की वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी न्यू बैच के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग देखते रहिएगा। देखिए संघर्ष की बात करें तो संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला एक प्रयास होता है, यानी कि संघर्ष होता है, स्ट्रगल करते हैं दो व्यक्ति आपस में। देखिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति या जो भी समूह होता है व्यक्तियों का, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि देखिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा के बारे में भी आपने पढ़ रखा है अपने इसी यूनिट के अंतर्गत, यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, इंग्लिश में कहा जाता है कंपटीशन प्रतिस्पर्धा को। तो प्रतिस्पर्धा जब होती है तो उसमें हर व्यक्ति के मन में बस यही बात होती है कि इस कंपटीशन के अंतर्गत अगर कोई विनर हो तो वो मैं हूँ। हर व्यक्ति के अंतर्गत ये भावना होती है खुद को जीतने की, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में वो चाहेगा मैं ही जीतूं। तो उस चैलेंज को जीतने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं कि किसी तरह उस व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा दूं और इस कंपटीशन को मैं जीत जाऊं। तो कंपटीशन को जीतने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया संघर्ष कहलाती है, याद रखिए। तो अब देखिए, अब देखते हैं आपका प्रश्न 4 यानी कि प्रश्न 4 आपका है सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। देखिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से इनको समझिए, और देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके अति लघु में दिए जाएंगे। अब देखिए सामाजिक समूह, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको अच्छे से पता होगा। देखिए सामाजिक समूह, इससे आप पता लगा लीजिए कि जब समाज में लोग रहते हैं तो वो लोगों का ग्रुप है, वो क्या है, सामाजिक समूह है। देखिए सामाजिक समूह दो शब्दों से बना हुआ है, एक प्लस है, एक सामाजिक है, प्लस समूह, दो शब्दों से बना हुआ है, जहाँ मतलब इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोग। और समाज क्या है, सामाजिक समूह है, क्योंकि समाज में एक या दो लोग तो रहते नहीं है, या फिर काफ़ी मात्रा में लोग रहते हैं, 100-200 की संख्या में लोग तो रहते नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं समाज के अंतर्गत। तो क्या है, वो लोगों का समूह है, तो वो सामाजिक समूह कहलाएगा। जब आप इसकी पूरी क्लास करेंगे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख करके, तो आपको एक एक चीज मिलेगी, सामाजिक समूह, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य, मतलब एक एक चीज आपको मिलेगी, इसकी विशेषता, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप सब कुछ पढ़ लेंगे, आपका पूरा एग्जाम बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आप मेरी प्लेलिस्ट को देख लेंगे। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, समिति और समुदाय में समानताएं बताइए। देखिए समिति और समुदाय दोनों पर वीडियो अपलोड कर रखी है पूरी डिटेल में, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसकी विशेषता, सब कुछ पूरा डिटेल में दोनों का पढ़ा रखा है। अच्छा अब देखिए समिति और समुदाय के बीच में क्या चीजें सेम है, क्या चीजें समान है, एक जैसी हैं। देखिए दोनों के बीच में अंतर भी है तो कुछ चीजें समान भी है, सेम है। तो क्या चीजें सेम है, देखिए जो समिति है, ध्यान दीजिएगा, पहली समानता दोनों के बीच में ये है कि जो समिति होती है वो समिति जो है मूर्त रूप होती है, समिति का रूप मूर्त है, और समुदाय भी मूर्त है, यानी ये दोनों क्या है, समानताएं हैं, ये भी मूर्त है, ये भी मूर्त है, मूर्त रूप है दोनों का, तो ये दोनों चीजें समान मिली। और दूसरी समानता ये है कि देखिए समिति के अंतर्गत सहयोग की भावना के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, और समुदाय में भी होता है, क्या मतलब, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होती है, समाज में एक दूसरे का हेल्प करने की भावना होती है समिति में भी और समुदाय में भी। तो
तो ये दोनों भी चीजें सेम है। और देखिए समिति जो है वो मनुष्यों का ही समूह होता है, मनुष्य ही मिलकर समाज के अंतर्गत एक समिति बनाते हैं। तो समिति क्या है, मनुष्यों का एक ग्रुप होता है। और समुदाय भी मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी मनुष्यों का ग्रुप होता है जिसमें मिलकर लोगों का सहयोग, लोगों की हेल्प करने की दोनों के अंदर भावनाएं होती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं एक जैसी हैं, कॉमन है इनमें, तो ये सारी चीजें क्या है, समान है। तो याद रखिएगा, अति लघु में पूछेगा तो बस आपको इतना ही लिखना होगा। अगला है आपका प्रश्न, मानव और पशु समूह को परिभाषित कीजिए। अब देखिए मानव का जो समूह होता है, मानव का समूह यानी समाज कह लीजिए, और पशु समूह, पशुओं का जो समूह होता है, पशुओं का जो ग्रुप होता है। अब देखिए इन दोनों को परिभाषित करना बड़ा आसान है क्योंकि बहुत सीधा ये आपका टॉपिक है। आपको मानव के कल्चर को एक्सप्लेन कर देना है और फिर पशुओं के कल्चर को एक्सप्लेन कर देना है। देखिए बात करें हम मानव की, तो मानव सर्वाहारी होता है जबकि जानवर शाकाहारी या मांसाहारी होता है। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। देखिए जो मनुष्य होता है वो बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन करता है, उसके पास लैंग्वेज है, भाषा है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास लैंग्वेज है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्या कोई जानवर जो पशु है पढ़ा सकता है? नहीं। यानी कि उनके पास बातचीत करने के लिए या अपने आइडियाज़ किसी को शेयर करने के लिए या फिर अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उनके पास लैंग्वेज नहीं होती कि वो किसी अन्य जानवर को बता सके। उनके पास अपनी एक ही भाषा होती है, भाषा नहीं होती, जो भी उनकी आवाज़ होती है, अलग अलग पशुओं की अलग अलग आवाज़ होती है। तो मानव के समान वो बोल नहीं सकते। तो इनके इनके बारे में आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। मनुष्यों का अपना परिवार होता है, अपना रहन सहन होता है, अलग अलग प्रकार का, शहरों में अलग, गांव में अलग। और देखिए जो पशु हैं वो चार पैरों पर चलते हैं, मानव तो दो पैरों पर ही चलता है। तो मनुष्य चार पैरों पर चलते हैं और पशुओं के समाज में मानव के समाज जैसी सभ्यता या संस्कृति की विशेषता हम नहीं देखते। जैसे मनुष्यों का जो समाज है, मनुष्यों के समाज में सभ्यता और संस्कृति हमें देखने को मिलती है, मगर पशुओं के समाज में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी दोनों के कल्चर में काफ़ी चीज़ें भिन्न हैं, काफ़ी क्या, सब कुछ एकदम भिन्न है। तो आपको इनके बारे में बस यही एक्सप्लेन कर देना है। अब देखिए अगला है सहयोग की प्रकृति बताइए। तो सहयोग की प्रकृति, देखिए सहयोग यानी कि एक दूसरे की हेल्प करने की जो भावना होती है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख लीजिएगा। देखिए सहयोग की प्रवृत्ति मनुष्य में होने का प्रथम कारण मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। तो देखिए सहयोग में अत्यधिक निरंतरता पाई जाती है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख लीजिएगा। अगला आपका है प्रतिस्पर्धा की 5 विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा, यानी जो कंपटीशन पाया जाता है समाज के अंतर्गत, तो उसकी 5 विशेषताएं लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपके अति लघु में पूछ देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कुछ विशेषताएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रतिस्पर्धा जो है सभी समाज में पाई जाती है, और दुनिया में एक समाज नहीं है, हजारों समाज है, और हर जगह का आप कल्चर देखेंगे, रहन सहन आपको सब कुछ अलग मिलेगा। तो ये एक डेफिनेशन हो गई कि ये एक विशेषता हो गई कि सभी समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। और देखिए दूसरी ये है कि दूसरी विशेषता आप ये लिख सकते हैं कि इसमें जन्म एवं जाति का महत्व कम हो जाता है। यानी यहाँ पे जन्म जो है उसका और जाति का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि समाज में जन्म और जाति की भी एक अपना अलग स्थान है। आप जब सामाजिक स्तरीकरण पढ़ेंगे जिसमें ऊंच नीच की भावना होती है, वो पढ़ा रखा है मैंने आपको, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगला है कि देखिए अगली विशेषता ये आप लिख सकते हैं कि देखिए जिस जिस तरह से वक्त के साथ साथ जैसे नगरीकरण होता जाता है, नगरों का विकास होता जाता है, तो वैसे वैसे जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ने लगती है। तो कुछ इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और देखिए अगली विशेषता आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा है वो एक निरंतर प्रक्रिया होती है, और ये प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, प्रत्येक क्षेत्र में ये पाई जाती है। अगला आपका है सभ्यता को परिभाषित कीजिए। तो अब देखिए सभ्यता क्या है, देखिए सभ्यता और संस्कृति पर पूरा वीडियो मैंने डिटेल में अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की प्रयास करती हूँ कि सभ्यता क्या होता है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। देखिए जो मानव है, जो समाज में रहने वाले मनुष्य हैं,
तो वो अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए, अपने स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए लगातार कोई ना कोई प्रयत्न करता रहता है, कोशिश करता रहता है। जैसे आप देखिए, एरोप्लेन है तो दूर का सफर पहले के टाइम में बड़ा मुश्किल था। पानी वाले जहाज से जाने के लिए भी कितने महीनों का समय लग जाता था एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, और आज घंटों का समय लगता है, बस दिन भी नहीं लगता, सिर्फ घंटों का समय लगता है, और हम किसी भी देश में पहुंच जाते हैं सिर्फ किसी जहाज की वजह से। तो मनुष्य को जैसे जैसे अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपने कल्चर को अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करते करते एरोप्लेन तक पहुंचा और जहाज का निर्माण कर लिया, आविष्कार कर लिया। यानी कि क्या है, मनुष्य की सभ्यता है। तो इसी तरह से जैसे गर्मी बहुत लगती थी तो पहले पंखा तक नहीं होता था, आज एसी है। तो वही मतलब कि जो मनुष्य अपने जीवन की दशाओं को और अच्छा बनाने के लिए जो लगातार प्रयत्न करता रहता है, जिसे संपूर्ण कला विकास संगठन सभी की रचना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सभ्यता कहते हैं, याद रखिएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कृति। तो अब देखिए, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति जो समाज समाज जो है, जो हमारा समाज है, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, कल्चर होता है, वहाँ का रहन सहन सब कुछ। तो देखिए, जो संस्कृति है उसका एक शाब्दिक अर्थ बताऊं तो ये होता है कि अच्छी या सुधरी हुई स्थिति किसी भी समाज की। तो देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको सभ्यता समाज, सभ्यता संस्कृति के बारे में पूरा संबंध अंतर और इसके अर्थ परिभाषा पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये 10 प्रश्न जो आपको मैंने बताए हैं, ये आपके अति लघु के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए, अब आपका खंड ब देखते हैं और उसमें आपका देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, खंड ब में होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में और आपसे कहा जाएगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 8 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, और कितने शब्दों में देना होगा, 200 शब्दों में देना होगा हर एक प्रश्न का उत्तर। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं जो आपसे आपके लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा कीजिए। आपको समाजशास्त्र का अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है और इसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, ये सब आपके यूनिट नंबर 1 के टॉपिक हैं और यूनिट नंबर 1 पूरा अपलोडेड है। यहाँ तक कि आपका पूरा 1 से लेकर 8 तक का यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसमें आप चेक करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। दूसरा है आत्मसात को परिभाषित कीजिए एवं आत्मसात की विशेषताएं लिखिए। देखिए, इस तरह से आपका प्रश्न पूछेगा लघु में। आत्मसात क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं सब कुछ एक वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है आपका, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 है आपका सामाजिक संरचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, सामाजिक संरचना क्या होती है, इसके बारे में बड़े अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है और आप लोगों ने अगर पूरी यूनिट्स पढ़ी होंगी तो आपको और अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। और देखिए, सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लघु में जब प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से नहीं पूछेगा कि सामाजिक संरचना स्पष्ट कीजिए, आपसे उसकी विशेषताएं जरूर पूछेगा, तो इसलिए तैयार जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है संस्था के कार्यों का वर्णन कीजिए। संस्था क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और संस्था का अर्थ, संस्था की परिभाषा और इसके कार्य, इसकी विशेषताएं सब कुछ पूरा एक वीडियो में कवर कर रखा है मैंने, तो उसमें आप संस्था के कार्य को देख के तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अत्यंत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न, देखिए, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध बताइए। देखिए, जो आपके सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 2 है वो क्या है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, यानी कि आपको कंपेयर करना है सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंस के साथ क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो जितने भी सोशल साइंस हैं सभी के साथ संबंध और अंतर की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आपके यूनिट नंबर 2 पूरी कंप्लीट करा दी है, कई सारे पार्ट्स में यूनिट नंबर 2 कंप्लीट है। तो देखिए, सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान,
इनके बीच जो संबंध है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि जरूर पूछेगा और बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। आप वीडियो देखेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच क्या संबंध है? आप देखिए, अब समाज शास्त्र का मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है, ये सभी सोशल साइंस है, तो अब इसका इसके साथ क्या संबंध है, इस संबंध को भी देख लीजिएगा, इस संबंध को भी देख लीजिएगा, दोनों को आप तैयार कीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में दे सकता है। प्रश्न 7 है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति क्या है? तो बड़े अच्छे से इस वीडियो को मैंने समझा रखा है, इस वीडियो में जो मैंने अपलोड की है, आपकी प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति क्या होती है समाज के अंतर्गत। प्रदत्त स्थिति वो होती है जो व्यक्ति को जन्म से, मतलब जब जन्म होता है तभी मिल जाती है। क्या इसमें हम शामिल कर सकते हैं? लिंग, जैसे कि अगर लड़का पैदा हुआ तो उसकी समाज में स्थिति क्या है कि वो पुरुष है, लड़की पैदा हुई तो उसकी समाज में स्थिति क्या है कि वो लड़की है, महिला है, तो उसकी प्रदत्त स्थिति है। या फिर उसकी कास्ट ले लीजिए, कास्ट भी जन्म से मिल जाती है, ये सारी चीज़ें प्रदत्त स्थिति होती हैं। अर्जित स्थिति जो कमाई जाती है, कोई व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बनकर पैदा नहीं होता, वो अर्जित करता है अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से, तो वो अर्जित स्थिति होती है। बड़े अच्छे से समझा रखा है वीडियो में मैंने, आप देख लीजिएगा, आपको एक बार देखकर सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, रटने वाली कोई चीज है ही नहीं, सब सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। अगला है आपका, रिश्तेदारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। देखिए, रिश्तेदारी क्या होती है, रिश्तेदारी क्या है, जो हमारा रिश्ता होता है अपने लोगों के साथ, अपने घर में अपने चाचा चाची, मामा मामी, खाला, जो भी मौसी और बुआ, ये सारी चीज़ों से जो हमारा रिश्ता है, क्या है, हमारी रिश्तेदारी है। तो अब आप रिश्तेदारी का अर्थ, ये तो रटने वाली चीज़ है ही नहीं, और रिश्तेदारी यानी इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपसे एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि कभी कभी पेपर में रिश्तेदारी की जगह नातेदारी आ जाता है। जैसे रिश्तेदारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए न देकर नातेदारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए या नातेदारी के प्रकार का वर्णन कीजिए, तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, रिश्तेदारी को ही नातेदारी कहा जाता है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखा कीजिए, वरना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो आप देख लीजिएगा पूरी, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और देखिए, जो रिश्तेदारी या नातेदारी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रक्त संबंधी नातेदारी, एक विवाह संबंधी नातेदारी। अब इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, रक्त संबंधी नातेदारी क्या है, जैसे जब माता पिता और अविवाहित बच्चे जब रहते हैं वो परिवार कहलाता है, और परिवार में जो अपने खून के रिश्ते होते हैं तो वो क्या है, रक्त संबंधी नातेदार, जैसे भाई बहन माँ बाप, क्या है, ये रक्त संबंधी नातेदार है। लेकिन अगर लड़की की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली जाए, तो उसके ससुराल में जितने लोग उससे रिलेशन में है वो सब क्या है, उसके विवाह संबंधी नातेदार हैं। उसका खून का रिश्ता किसी के साथ नहीं है, लेकिन सब विवाह संबंधी उसके रिश्तेदार हैं, क्योंकि उसका विवाह हो गया है और ससुराल के जितने भी रिलेशन वाले हैं, उसके हस्बैंड के जितने भी रिलेशन के हैं, अब सब उस लड़की के रिलेशन वाले हो गए, तो उसके शादी के बाद संबंध बना, रिश्ता बना। और लड़का का लड़की के घर वालों के साथ जो भी रिश्ता बना, वो उसका विवाह संबंधी नातेदारी हो गई। तो सारी चीज़ें बस आपको समझने वाली है, रटने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो 8 प्रश्न जितने मैंने आपको बताए हैं, आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अब आपका खंड स देखते हैं। आप देखिए, खंड स होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके पेपर में खंड स में दिए जाएंगे 4 प्रश्न और आपसे कहा जाएगा किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए, क्योंकि आपका दीर्घ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अच्छा, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में होगा। जो प्रश्न हिंदी में दिया जाएगा वो इंग्लिश में भी उसके नीचे लिखा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारे हिंदी में, तो दोनों जिसमें पढ़ते हैं वो अपना आंसर उसी में लिखेंगे। तो देखिए, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, किन्हीं 2 को करना होगा और सभी का प्रश्न 500वें करना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी, तो आप उन सभी को तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध व अंतर लिखिए, यानी कि समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है एंड क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। मैंने आपकी वीडियो में पूरा ये समझा रखा है, एक वीडियो पूरी इस पर अपलोड है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज ऐड हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ और परिभाषा लिखिए, सामाजिक स्त्रीकरण के आधार बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण पर भी वीडियो अपलोड है, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसके आधार सब कुछ मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, ये भी देख लीजिएगा। प्रश्न 3 है, सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर पूछेगा।
देखिए सामाजिक गतिशीलता दो तरह की होती है, तो क्षैतिज एवं रैखिक। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछ सकता है कि क्षैतिज एवं रैखिक गतिशीलता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने वीडियो में इन दोनों को उदाहरण सहित अच्छे से समझा दिया है, तो आप देख के पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। विवाह क्या होता है, शादी क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, तो उसका अर्थ उसकी परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पर भी वीडियो अपलोड है। और विवाह के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, विवाह के क्या उद्देश्य हैं आप उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सभ्यता एवं संस्कृति को परिभाषित कीजिए। देखिए संस्कृति एवं सभ्यता क्या है ये समझा चुकी हूँ, और संस्कृति एवं सभ्यता के बीच क्या अंतर है इसको भी समझा चुकी हूँ। तो ये पांच प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके लॉन्ग के लिए, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हाँ, और हाँ, इसके अलावा एक और आपको बात बताना चाहूंगी, यदि आप अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उन सभी के लिए भी आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की क्लास कराई जा रही है, मॉडल पेपर की वीडियोज आ रही है, महासंग्राम क्लास आ रही है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।